पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3,918 नए मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटे में 11,918 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या 76,703 पहुंची। राज्य में रिकवरी दर 94.3% तक पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 157 लोगों ने दम तोड़ा। तो यह था उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट। तो यूपी में लगातार कम हो रहा कोरोना संक्रमण, कम हो रहे मामले। पिछले 24 घंटे में 3,981 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 157 लोगों की मौत हुई। राज्य में रिकवरी रेट पहले से काफी बेहतर हुआ है, तो 94.3% तक पहुंच गया है रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में। समुचित व्यवस्था कर रही है और वर्तमान में जो मांग के अनुसार प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता समुचित है। इनफैक्ट हमारे कई जो अस्पताल और जो रिफिलिंग सेंटर्स हैं वो उनके पास काफ़ी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन उपलब्ध है। कल जो है लगभग 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश में सप्लाई की गई थी। सभी जो मेडिकल कॉलेज हैं और निजी अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा रही है। इसके साथ साथ भविष्य में जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए लगभग 450 से अधिक ऑक्सीजन के प्लांट जो हैं पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे में 3,981 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश सरकार जो है अस्पतालों में ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था कर रही है और वर्तमान में जो मांग के अनुसार प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता समुचित है। इनफैक्ट हमारे कई जो अस्पताल और जो रिफिलिंग सेंटर्स हैं वो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गाजियाबाद के निजी अस्पताल में बड़ी घटना, इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना से ठीक हो चुके 3 मरीजों ने दम तोड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर। तो आधे घंटे के अंदर 3 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। अस्पताल पर ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का आरोप। सर्वोदय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मामला, अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन कमी को नकारा। परिजनों का ऑक्सीजन कमी से मौत का आरोप। सतीश शर्मा, सविता शर्मा और मोना की मौत हुई। ये तीनों ही गाजियाबाद के निवासी थे और कोरोना नेगेटिव होने के बाद इनका इलाज चल रहा था। गाजियाबाद के निजी अस्पताल से बड़ी घटना, इस वक्त की बड़ी खबर। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे, सहयोगी शक्ति सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना से ठीक हो चुके, कोरोना को मात दे चुके 3 मरीजों की आखिर कैसे मौत हो गई, किस अस्पताल का यह पूरा मामला है और किस तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही है? तो आपको बता दें, बड़ी खबर, गाजियाबाद के निजी अस्पताल में बड़ी घटना सामने आई है, जहां कोरोना को मात दे चुके, कोरोना को हरा चुके 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो यह बड़ा मामला सामने आया और इसमें अस्पताल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आधे घंटे के अंदर 3 मरीजों की आखिर कैसे मौत हो गई, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। तो अस्पताल पर ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से, सर्वोदय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का यह मामला। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले आजमगढ़ पहुंचे। सबसे पहले सीएम योगी ने पुलिस लाइन से सीधे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड की व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। यहां पर पीड़ित लोगों से बातचीत की और उनको सलाह देने के बारे में तैनात कर्मचारियों से भी पूछा। जीजीआईसी से सीधे उनका काफिला आजमगढ़ शहर से सटे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले एक महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। जबकि टेस्ट की क्षमता पहले से दुगनी हुई है। 24 अप्रैल के आसपास हमारी जो टेस्ट क्षमता थी वह 2 लाख से 2.25 लाख थी,
आज प्रदेश के अंदर टेस्ट की क्षमता, आज हमने जो टेस्ट किए 3,26,000 टेस्ट किए हैं। ऐसे ही प्रदेश के बारे में एक्टिव केस के बारे में कहा जाता था कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़ करके कई लाख पहुंच जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एक्टिव केस 30 अप्रैल को थे 3,10,000 और आज एक्टिव केस प्रदेश में घट करके केवल 76,000 रह गए हैं। यानी हमारा जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। कोरोना का पहला केस जब 2020 में आया था तब प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता नहीं थी, हमने जो सैंपल दिए थे उस समय वह NIV पुणे भेजे थे, हमारे पास उपचार की सुविधा नहीं थी, हमने पेशेंट को सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भेजा था। आज हमारे पास 3,26,000 टेस्ट आज हम लोगों ने किए हैं। आज प्रदेश में 80,000 आइसोलेशन और ICU के बेड्स मौजूद हैं। प्रदेश ने अब तक 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। प्रदेश के अंदर सेकेंड वेव में मैक्सिमम जो पॉजिटिविटी थी वह लगभग 17% तक पहुंची थी, आज वह 2 के आसपास आ गई है। रिकवरी हमारी 94% के आसपास से अधिक है, ये लगातार उसमें वृद्धि हुई है। और यही नहीं, सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हम लोगों ने पोस्ट कोविड पेशेंट थे उनके लिए भी सुविधा देनी प्रारंभ की। हर हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई, उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था, ये सभी कार्रवाई प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक चल रही है। थर्ड वेव की आसन्न संकट को भी ध्यान में रखकर के हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हुई है। अभी से पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई, NICU के निर्माण की कार्रवाई, हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने अभी से प्रारंभ कर दी है। कोविड प्रबंधन और भविष्य की अन्य आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए आज मैंने आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक यहां पर ली है। यहां पे मंडल के तीनों जनपदों के जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर ने, कोरोना वॉरियर्स ने, जागरूक जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत के साथ इस समस्या का समाधान किया। और आज अगर हम इस जनपद और मंडल की बात देखें तो जहां पे पॉजिटिविटी रेट एक बार 14-15 के आसपास पहुंच गया था, आज घटकर के 1 से नीचे आ चुका है। रिकवरी 94% से अधिक है। सेकेंड वेव में हमारे सामने संकट आया था ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन की, आज हर जनपद को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर 377 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं और इस जनपद में भी और इस कमिश्नरी में भी 15 नए ऑक्सीजन प्लांट हमने प्रस्तावित किए हैं, जो मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, CSCs में, जिन्हें स्थापित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। निगरानी समितियों ने इस सेकेंड वेव को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। निगरानी समिति गांव-गांव में जाके स्क्रीनिंग करने का काम कर रही है, मेडिसिन किट का हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रही है। हर लक्षण युक्त व्यक्ति का RRT की टीम जाकर के अगले 24 घंटे के अंदर टेस्ट कर सके, इस कार्य को संपन्न कर रही है। और ये हमारा एक सफलतापूर्वक अभियान है जिसने पॉजिटिविटी को कम किया है, रिकवरी को बढ़ाया है। हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन की कार्रवाई को भी अब तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार 45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन दे रही है।
45 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे सेंटर चल रहे हैं, लेकिन 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को अभी हमने 23 जनपदों में चलाया और 1 जून से सभी 75 जनपदों में हम इसको चलाने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस पूरे अभियान में और एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवा सकें। इस अभियान में हम लोग टारगेट कर रहे हैं खासतौर पर 12 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों के अभिभावकों को। इन्हें एक सुरक्षा कवच के लिए वैक्सीन अवश्य उपलब्ध करवाई जा सके, जिससे वे अपने बच्चों को सुरक्षा कवच दे सकें। और उस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हो रहा है। दूसरा, हर जनपद में हम लोगों ने 1 जून के बाद से प्रारंभ किया है कि हर जनपद में न्यायिक अधिकारियों के लिए और मीडिया के लिए भी अलग से बूथ बन जाए, जहां पर वे और उनके परिवार के लोग वैक्सीन लेकर के कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागें, वैक्सीन लेने से भी न भागें, बीमारी को छुपाने से नहीं कि मुकाबला करने से विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दवा वैक्सीन लोग वैक्सीनेशन जन सुनवाई केंद्र जो CS उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा, और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें, जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, एक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के अंदर रहें, घर में भी मास्क पहने, शेष अन्य लोगों को बाहर ध्यान। सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 377 से ज्यादा प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। आज में 3 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई है, 4 करोड़ से ऊपर टेस्टिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, भारत में शुरू हो चुका है Sputnik 5 वैक्सीन का उत्पादन। हिमाचल प्रदेश के बद्दी प्लांट में उत्पादन शुरू हुआ, तो जल्द ही भारत में स्पुतनिक का फुल उत्पादन शुरू हो जाएगा। क्वालिटी चेक के लिए रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा सैंपल। तो स्पुतनिक 5 का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है भारत में, इस वक्त की बड़ी खबर। तो शुरू हुआ भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन, हिमाचल प्रदेश के बद्दी प्लांट में उत्पादन शुरू, जल्द ही भारत में स्पुतनिक का फुल उत्पादन। क्वालिटी चेक के लिए रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा सैंपल। भारतीय कंपनी पनाशिया बायोटेक के बद्दी स्थित प्लांट में बना स्पुतनिक टीके का पहला बैच गुणवत्ता आकलन के लिए रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा। रूसी RDIF के मुताबिक जल्द ही टीके का भारत में फुल स्केल उत्पादन शुरू हो जाएगा।
वहीं श्रावस्ती में वैक्सीनेशन टीम को देखकर जोत गांव के ग्रामीण अपने घरों में दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम जमीनी हकीकत का पता लगाने जब गांव पहुंची तो मंजर अजीबोगरीब देखने को मिला। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि गांव वालों को पता चल गया था कि चौबे जोत गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गई है, जिसके बाद लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर अपना दरवाजा बंद कर रहे थे। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जब ग्रामीणों के घर पहुंची तो महिलाएं बाहर निकलकर ये कह देती हैं कि घर में कोई नहीं है। कोई रोका है कहा दादी? कोई रोका कोई नहीं। कहा कहती था मम्मी? ऑफिस वकील वकील हैं। टीका लगवाए नहीं? कहा टीका? जो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनपदवासी जितने भी हैं सब टीकाकरण करा लें और सबको ये जानना चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए केवल टीकाकरण ही उपयोगी है। और इस विषय में हम लोग सारे एएनएम आशा और दूसरे डिपार्टमेंट के भी कोटेदार तहसीलदार से सहयोग ले रहे हैं। धर्म गुरुओं की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, उनसे भी अपील करा रहे हैं ताकि हम लोग जो है टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा लोगों को करा सकें। और अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। एक ओर सरकार प्रदेश में टीकाकरण बढ़ा रही है, वहीं 18 साल से अधिक के हर उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर लोग कोरोना के टीके लगवाने से अब भी बच रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। बाराबंकी जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहाँ लोगों ने वैक्सीन का लोगों में इस कदर डर दिखा कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची तो लोग नदी में कूद गए। बताया जा रहा है 6 से ज्यादा लोग नदी में कूदे, वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। और पूरा मामला सिसौंडा गांव का है जहां ये लोग टीकाकरण से बचने के लिए घाघरा नदी में कूद पड़े। हालांकि एसडीएम के समझाने के बाद गाँव के सिर्फ 14 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जबकि उप जिलाधिकारी रामनगर राजीव कुमार शुक्ला का कहना है कि लोगों को टीके के प्रति जागरूक किया जाएगा। जब टीकाकरण के लिए लगाने के लिए टीम आई तो लोग डरने लगे। हम खुद लगवाए थे, कल हम गए पहला नंबर, हम बोले हमारा लगाइए, एक आदमी और पहुंचा, दो आदमी हम लोग कल हम लोग लगाइए। और जब गांव में बुलाने गए तो इतना डर गए आदमी सब कि इसका टीका लगवाने से आदमी मर जाता, इसीलिए डर के मारे भागना शुरू कर दिए। तो बाल कुछ नहीं हुआ, खाली डर के मारे वो लोग भाग के नदी किनारे पकड़ लिए। हल्ला दंगा मार पीट बवाल कुछ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा पानी था। अच्छा, जांग जांग भर टिवनी टिवनी भर पानी था, बस डर के मारे कूद के भाग गए वहाँ तक। तो हम सभी लोग गए थे वहाँ, लोगों को बताने घर घर सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, वो सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो उन तक जब टीम पहुँची तो उन्हें लगा कि साहब क्या है, तो उन नदी के थोड़ा वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो नदी में कूद गया हूँ, लेकिन लोगों में जानकारी का अभाव है, शिक्षा की कमी है, तो उनको बुला के समझाया गया, बताया गया, फिर वहाँ पे काफ़ी लोगों ने टीकाकरण भी करवाया। वही खबर चंपावत से जहां कोविड संक्रमित लोगों से मिलने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत, पीपीई किट पहनकर मरीजों का हालचाल भी जाना, तो मरीजों के बेड के पास जाकर मरीजों की परेशानी के बारे में पूछा, डॉक्टरों से बात कर पूरे हालात का जायजा लिया। डॉक्टर आते हैं सब समय समय पे, कितने दिन में कितने बार आ जाते हैं? 3 बार। चलिए अभी तो महसूस अच्छा महसूस सब ठीक है ना? ठीक है ना। देखो आपकी चिंता करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पास में, माननीय सांसद साहब आपके पास में, टेंशन नहीं करो सर, डॉक्टर लगे हमारी, नर्स वर्स सब बहने लगी हमारी, सब डॉक्टर की टीम स्वस्थ जल्दी हो जाइए, हमारी ठीक है ठीक है। चलो।